टाइगुन कई महीनों में हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा कुशक के जैसी है और शायद फोक्सवैगन की भारत में सबसे अहम कार भी। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ रही है जिसे ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी कारों ने काफी लोकप्रिय बना दिया है। इसमें तकनीक की भी कोई कमी नहीं और ऐसा हम फोक्सवैगन की हर कार के बारे में नहीं कह सकते जहां ज्यादा ध्यान आपको एक मजेदार ड्राइव देने पर रहता है। और जैसे सिद्धार्थ और शम्स ने अपने रिव्यू में बताया, ये गाड़ी सिर्फ मजेदार नहीं है चलाने में बट काफी लोडेड है टेक के मामले में। इसका मतलब है डीप डाइव करने का टाइम आ चुका है इसके टेक में। ये है कार एंड बाइक के टेक चेक का टाइम। कुशक में देखे गए कई फीचर्स टाइगुन में भी हैं, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सिर्फ VW में ही मिलेगा। ये 1 लीटर और 1.5 लीटर दोनों के सबसे महंगे मॉडलों में देखा जा सकता है। साथ ही एक सनरूफ भी है लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट पर। स्टीयरिंग व्हील पर कई सारे कंट्रोल्स हैं जो कार चलाते वक्त ड्राइवर के काफी काम आते हैं। साथ ही पेट्रोल बचाने के लिए स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के अलावा टाइगुन में एक सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम भी दिया गया है। टाइगुन में आपको वही 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो हमने पहले कुशक में देखा था। इसका मतलब है काफ़ी सिमिलर हैं दोनों, काफ़ी डीप और इनकी ब्लैक लेवल्स हैं और व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया है। ब्राइटनेस लेवल्स भी काफ़ी बेहतरीन है और फास्ट और फ्लूइड टच रिस्पॉन्स है, एकदम आईफोन जैसा टच फील है इसका। ऊपर से यूज़र इंटरफेस जो इसका है बहुत ही लॉजिकली डिजाइंड है, बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। ये गाड़ी कनेक्टेड कार फीचर्स भी थोड़े बहुत ऑफर करती है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इस गाड़ी में आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है जो ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं है इस सेगमेंट में और काफ़ी मज़ेदार है यूज़ करने में। अगर हम कनेक्टेड कार तकनीक की बात करें तो फोक्सवैगन थोड़ी पिछड़ती दिखती है क्योंकि यहाँ एप्लीकेशंस कुछ कम हैं। कनेक्टिविटी के लिए कार में एक रिलायंस जियो का eSIM लगाया गया है। नेचुरल वॉइस प्रोसेसिंग में अगर आपको कोई कमी लगे तो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के सिरी और गूगल असिस्टेंट तो हैं ही। एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले को वायरलेस तरीके से इस्तेमाल करने का अपना ही मजा है और फोक्सवैगन की इस कदम के लिए तारीफ की जानी चाहिए। वोक्सवैगन ने इस गाड़ी में 4 USB टाइप सी पोर्ट दिए, 2 आगे में 2 पीछे में। मगर ये भी थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है कई लोगों के लिए क्योंकि अगर उनका डिवाइस पुराना USB टाइप ए कनेक्टर यूज़ करता तो फिर क्या करते वो। सेम टाइप पे आपको चाहिए इन गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी आए। शायद वोक्सवैगन 2 टाइप ए और 2 टाइप सी पोर्ट दे सकता था, पता नहीं। मगर ये बात तो क्लियर है कि अडैप्टर यूज़ करना काफ़ी परेशानी वाला काम है। ये छोटी दिक्कतें साइड, आपको इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है जो काफ़ी अच्छा फीचर होता है, मगर हमेशा की तरह कछुए की तरह धीरे से फ़ोन को चार्ज करता है, मज़ा नहीं आता। कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी हैं जो कम रोशनी में भी साफ नज़ारा दिखाते हैं। 6 स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम भी काबिल तारीफ है लेकिन शायद एक कोरियन या जापानीज कार जितना शानदार नहीं। अगर आप बेहतर आउटपुट चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट की तरफ रुख कर सकते हैं। टाइगुन बेसिकली कुशक की जुड़वी बहन है तो इसका मतलब है ये गाड़ियों में टेक बहुत ही सिमिलर है हर तरीके से और ये असल में बहुत ही अच्छी बात है। मगर सेम टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि टाइगुन का टेक क्रेटा और सेल्टोस से ज़्यादा बेहतरीन है।